और ये यादव समाज की देन है कि भगवान कालिया नाग के ऊपर भी नृत्य करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। सभी कठिनाइयों में नृत्य करने की हिम्मत किसी में है? हमारे इस समाज में चाहे दुनिया में कितने कष्ट आ जाए, कष्ट से कहे तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता हूं। जो संघर्ष करेंगे संघर्ष का फल मिलेगा। वो अपने लिए देखो, समाज की शक्ति इकट्ठी होती है तो गोवर्धन पर्वत को भी अपनी उंगली पे धारण करते। ये हमारा सौभाग्य है, गोपाल कृष्ण ने गोवर्धनधारी देकर के भी अपने को जीवन में क्या बताया है? बड़े से बड़े पहाड़ से भी लड़ मरो लेकिन पीछे मत हटो। और एक बार नहीं, कंस को मारने के बाद भी शिक्षा का क्या महत्व है भगवान कृष्ण ने फिर बताया है। कंस को घर में उनके मारने के बाद भी समाज को शिक्षा का महत्व सीखना चाहिए। और जो शिक्षा धारण करे उस शिक्षा को जीवन भर भूलना भी नहीं चाहिए। ये ऐसे अनोखे विद्यार्थी का चरित्र भी भगवान कृष्ण के माध्यम से हमको सीखने लाया है। आमने सामने सेना है, हजारों लाखों की सेना है, लेकिन सेना के बीच में भी जो ज्ञान को याद रखे, जो मानवता को याद रखे, कर्म को याद रखे, मृत्यु लोक में जीवन क्यों आया ये एहसास कराए, ये केवल केवल हमारे भगवान कृष्ण की उनके मुखारविंद से निकलने वाली 18 अध्याय गीता का, ये हमारे चारों वेद, 18 पुराण, 64 कला सबका निचोड़ निकाल के देते हैं, जो दुनिया में एक पवित्र ग्रंथ के नाते से जाना जाता है।